कह रहा था? धमकियां दे रहा है। शौकत साहब, आप इतने ऐन वक्त पर किस किस को इनवाइट करेंगे? जिसे चाहे कर लो। देखो जरा अपने बाप को, इनकार खुद से नहीं किया गया और नखरे मुझे पीट रहे। और तुम्हारे वो जिम वाली बात भी तो रह गई। अरे छोड़े यार अम्मी जिम को, जो मेरे नसीब में होगा हो जाएगा। जाओ जाकर वली में जाने की तैयारी करो। हैं? आप तो कह रही थी कि हम नहीं जाएंगे वहां। कहा था, लेकिन अभी तुम्हें सुना नहीं कि क्या कहा उसने तुम्हारे अब्बू से? अगर नहीं जाएंगे तो बुलवा लिए जाएंगे। वाह भाई, इतना भी कोई आशिक होता है कि लड़की के घर वालों को उठाने की धमकी दे दे। ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर मेरे कपड़े निकालो, मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग की जूती सब निकाल देना। और हाँ, सना को भी बोलो। सना को क्यों? जितना कह रही हूँ ना उतना करो। और जरा मुझे फोन मिला के दो, तुम्हारी फुप्पो को तो कहूँ मैं। वैसे फुप्पो आए ना आए, निमी जरूर आएगी। हाँ तो आए, उसका हक बनता है। उसके महबूब का वलीमा है, उसका हक तो सितारा से कई गुना ज्यादा है। पहले आप गलती करती हैं, फिर अपने आप को कमरे में लॉक करके बैठ जाती हैं। क्या मिलता है आपको इससे? मुझे क्या मिलता है? आप कल की आई हुई लड़की से मेरी बुराइयां कर रहे हैं। ओह खुदाया, मैं आपकी बुराई क्यों कर करूंगा? कैन यू गिव मी वन रीजन कि मैं आपकी बुराई क्यों करूंगा? तो फिर उसने वही तरबियत वाली बात क्यों की मुझसे, जो आप हमेशा मुझसे करते थे? ओ, यही तो जानना है। मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की जिसके दम पर यहाँ आई है उसके खिलाफ कैसे बोलती है। सलार ने तो उसको सर पे चढ़ा लिया, देखा नहीं कैसे बातें करती है। लेकिन वो सलार के खिलाफ बोलती क्यों है, यही तो पता चलाना है हमें, तभी तो उसको हम निकाल सकेंगे यहाँ से। लेकिन आप तो बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे थे उसे। आपको एक राज की बात बताऊं मैलिन? क्या? मर्द तब तक अपनी बीवी का मुहाफिज बना रहता है जब तक उसको अपनी बीवी के मुखालिफ नजर आते हैं। और एक बार अगर वो अपनी बीवी की हिफाजत से बेफिक्र हो जाए तो उसके खिलाफ जाने में उसको देर नहीं लगती। आपका मतलब है कि हम जब तक आप उसकी बीवी को बुरा भला कहती रहेंगे, वो हमें दुश्मन मानकर हमारे सामने खड़ा रहेगा और आप उसे कभी अलग नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करूं? शाम को वलीमा अब आप ये सोचें कि आपको क्या करना है। और एक और बात। क्या? हमने सबके सामने इसी लड़की से ये बुलवाना है कि वो खुद अपनी मर्जी से यहां आई है। और सालार उसको जबरदस्ती लेकर नहीं आया, अंडरस्टैंड? मेरी जासूसी करवा के थकते नहीं है क्या? वो किन बातों से थकते हैं ये तुम्हें उस वक्त समझ आएगी जब तुम खुद बाप बनोगे। नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं उन जैसा बाप नहीं बनूंगा। चलो अब क्या हो गया? आप तो कह रहे थे कि मैं आपकी फैमिली की इज्जत करूं। हाँ तो? तो जब आप अपने पेरेंट्स की इज्जत खुद नहीं कर रहे तो मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, मैं उनका बेटा हूँ, मैं जैसे आप उनके बेटे हैं तो उनकी इज्जत करना आप पर लागू है। आपके पेरेंट्स ने मुझे पैदा नहीं किया जो मैं उनकी इज्जत करूँ। अपने फर्ज खुद निभाई है। ये कोई वक्त है वलीमे में बुलाने का? हम कोई गिरे पड़े हैं कि यूं हमें कोई बुलाए और हम चले जाएं? अम्मी हो सकता है कि उन लोगों को भी अभी अभी बुलाया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई को बहुत पहले दावत मिल चुकी होगी। ये भाभी हैं जिन्होंने जानबूझ के हमें देर से दावत दी। अम्मी अपने दामाद के घर लेके जा रहे हैं, यही मामू का बड़ापन है। कोई और होता तो ऐसे दामाद को छुपा के रखता, हवा भी नहीं लगने देता।
ऐसे बदतमीज और खुदसर लड़के को कौन दामाद बनाना चाहता है? उसे तो कोई भी दामाद बना लेता। आपने मेरे वलीमे में प्रोटोकॉल इतना अच्छा दिया था। प्रोटोकॉल तो हमने और लोगों को भी दिया था, लेकिन कुछ लोग ना एहसान फरामोश होते हैं। याद नहीं रखते। अम्मी मुझे तो सब याद है। आप उसे अपने सर पे बिठा रही थी और वो आपको खरी खरी सुना रहा था। क्या मतलब है इसका? मैं उसकी बातें इसलिए सुन रही थी कि मैं उसको दामाद बनाना चाहती थी। वो तो नहीं पता। लेकिन अम्मी आप किसी आम बंदे से दबने वाली तो है नहीं। मतलब किसी की गलत बात आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप बताएं जाना है या नहीं जाना, वरना मैं और जोया कुछ और प्लान कर लें। जोया को तो वहीं जाने का दिल चाह रहा है ना, ले जाओ इसे। उनकी शान और शौकत देकर आ जाएगी। मैं? हाँ तो क्या हो गया इसमें? इस घर के बड़े बेटे हो तुम, और ये बड़ी बहू है। मैं जाऊं या तुम लोग चले जाओ, एक ही बात है ना। निमी और सलमान को भी साथ ले जाते हैं, मजा आ जाएगा। क्या अम्मी, इसका मतलब है कि हम अकेले जा रहे हैं ना, तो हम बोर हो जाएंगे, तो वो लोग अगर होते तो कंपनी में। नहीं होगे बोर, भाभी ने बताया है कि सारे खानदान को बुलाए उन्होंने। मिल जाएगा तुम लोगों को कोई ना कोई बात करने के लिए। क्या जरूरत थी बोलने की? हाँ बोर हो जाएंगे। मैंने क्या किया? क्या जरूरत तुम्हें इस तरह की बात करने की? मुझे सलार भाई ने खास तौर पे इनवाइट किया है। उन्होंने तुम्हें खुद कॉल की थी? नहीं, तुम्हारे ताया को कहा था। सितारा, सलार भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सुहेब आ रहा है क्या? तुम्हें सलार भाई जैसे मुखलिस इंसान के साथ रहकर भी सुहेब की फिक्र है? दूर से सभी मुखलिस दिखते हैं सन। ये तो पास रहने वालों को पता चलता है कि उनके साथ कितना धोखा हुआ। सलार भाई तुम्हें धोखा नहीं देंगे। देखा नहीं तुमने वो सबसे लड़कर तुम्हें कैसे ले गए थे? और देखना, वो अपने घर पे भी तुम्हारी इज्जत करवाएंगे। खुदाफ़िज़।